हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप डैट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको MOT, यानी कि मोट। आखिर हमें इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले दो थ्योरी और थी, एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक थी बेसपर थ्योरी। दोनों की दोनों थ्योरी, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड और आकृति के बारे में स्पष्ट करती हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, उसके बारे में और जो उसकी आकृति होती है उसके बारे में स्पष्ट करती हैं। लेकिन ये जो थ्योरी होती है वो किसी अणु की डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी शो करती है। ठीक है, क्या शो करती है? किसी कोवलेंट बॉन्ड यानी कि किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करती है। कौन सी थ्योरी? मोट थ्योरी। अब इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा होगा? दो साइंटिस्ट हैं, एक हुंडे और एक कौन है, मुलिकन। एक हुंड और एक मुलिकन। कब करा होगा? सन 1932 यानी कि 1932 में। और इसके लिए सर 1966 में इनको अवार्ड भी दिया गया, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो चलो शुरू करते हैं इस थ्योरी को। ठीक है, मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी थ्योरी? मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको, आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, और शॉर्ट में बोलता हूं उसको मोट। क्या बोलते हैं इसको? मोट, बहुत नहीं, मोट, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो पहले तो मैं लिखूं कि यार ये मोट थ्योरी का प्रतिपादन किसने करा? तो हैं दो साइंटिस्ट, कौन कौन से? देखो, इस थ्योरी का प्रतिपादन, पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, इस थ्योरी का प्रतिपादन हुंड तथा मुलिकन ने सन 1932 में किया। ठीक है, इस थ्योरी का प्रतिपादन हुंड तथा मुलिकन ने सन 1932 में किया। अब ये थ्योरी आपको बता दी क्या? यह है थ्योरी, ठीक है, किसी अणु की डायामैग्नेटिक तथा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी के गुण। ठीक है, डायामैग्नेटिक हिंदी में बोलते हैं पृथुचुंबकीय, और पैरामैग्नेटिक हिंदी में बोलते हैं इसको अनुचुंबकीय, प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करती है, को स्पष्ट करती है। चलो देखते हैं फिर इस थ्योरी की निम्नलिखित अभिधारणाएं हैं। चलो देखो, पहली अभिधारणा कौन सी होती है? पहली अभिधारणा ये होती है कि सबसे पहला इसका पॉइंट आता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, हिंदी में बोलते हैं परमाणविक कक्षक संयोग करके आणविक कक्षक बनाते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखना, मैं एक ले रहा हूँ, एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है और एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है। ठीक है, जब ये आपस में संयोग करते हैं, लो साहब चलो संयोग करवा दिया मैंने, ठीक है, तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। क्या बनते हैं? दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं इसमें, एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेते हैं, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे तो दो ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका सेकंड नंबर लूं,
ठीक है, तो मैं लिखूंगा इसमें मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या, मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या की जो संख्या आती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या, एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं तो दो ही मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जब मोलेकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, जब मोलेकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देंगे। ठीक है, यानी कि थर्ड नंबर लेता हूं मैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात, मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात एटॉमिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। ठीक है, यानी कि मोलेकुलर ऑर्बिटल बनने के पश्चात एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। चलो फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं इसका। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एक मोलेकुलर ऑर्बिटल और मैंने बना दिया, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, जिनमें एक मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है और दूसरे की कैसी होती है, अधिक होती है। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिनमें एक की ऊर्जा कम होती है और दूसरे की ऊर्जा कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो मैं यही लाइन लिखने वाला हूं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करके दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें एक की ऊर्जा ऊर्जा अधिक अधिक तथा दूसरे मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होती है। ठीक है, एक मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होगी और दूसरे मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, चार पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, चार पॉइंट हो गए। कौन कौन से पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कहता है आपसे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एटॉमिक मोलेकुलर ऑर्बिटल की संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होती है। थर्ड ये कहता है कि जब मोलेकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पहचान खो देते हैं। और जो फोर्थ नंबर है वो ये कहता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल संयोग करते हैं तो दो मोलेकुलर ऑर्बिटल बनते हैं जिनमें एक की ऊर्जा कम होती है और दूसरे ऑर्बिटल की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पढ़ते हैं, यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट, इसके बाद ठीक है। तो देखो फिर फिफ्थ नंबर इसका, देखना जरा ध्यान से। तो पांचवा नंबर हमारा है इसका, यानी कि मान लेते हैं हम, माना दो एटॉमिक ऑर्बिटल ए तथा बी हैं, जिनके बेब फंक्शन हिंदी में बोलते हैं उसका तरंग फलन, जिनके बेब फंक्शन साई भी हैं। देख लो, इसको साई बोला जाता है, साई तो साई है और साई भी है। तब साई ए माइनस साई बी और साई बी इक्वल टू साई ए प्लस के साई बी। जहां अगर मैं बात करूं, जहां साई ए जो होता है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, क्या है साई है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, साई है क्या, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ठीक है,
और जो मैंने साई बी लिया ए से एंटी बॉन्डिंग आएगा, और जो मैंने बी लिया है वो होता है आपका बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो साई ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और साई बी क्या आपके पास, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, जब यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी हैं जिनके वेव फंक्शन क्रमशः साई ए तथा साई बी हैं, तब साई ए साई ए माइनस साई बी, फिर साई बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। तो जहां साई ए क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और साई बी क्या है, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। अब इसका अगर मैं सिक्स नंबर की बात करूं, तो सिक्स नंबर आता है कि मोलेकुलर ऑर्बिटल में, मोलेकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हुंड तथा पाउली के नियम के अनुसार भरते हैं, नियम के अनुसार भरते हैं, ठीक है। हुंड और पाउली के नियम के अनुसार भरते हैं, ध्यान देना। चलो एक छोटा सा चित्र बना के देखते हैं इसको क्या चीज़ है। तो मैं बना रहा हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये इसको बोलते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्या बोलते हैं, मोलेकुलर ऑर्बिटल डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे बनता है देखो, ये है आपकी बढ़ती ऊर्जा, बढ़ती ऊर्जा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो, ये आया अपना एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। ये मैंने बनाया दूसरा, ये बनाया मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये भी आपका मोलेकुलर ऑर्बिटल होगा। इसके बाद में ठीक है, तो ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये है अपना साई बी, क्योंकि इसकी ऊर्जा देखो कम है, इसकी ऊर्जा यानी कि ध्यान देना जरा, ये है बॉन्डिंग, बी फॉर बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, ध्यान देना। साई बी क्या, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और जो इनकी ऊर्जा होती है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल की, वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और अगर मैं साई ए की बात करूं, तो ये है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनकी जो ऊर्जा होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, ठीक है। तो ये साई ए दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, इनकी ऊर्जा जो होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है। चलो अभी आगे लिख पाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ये वाले पॉइंट, और मैंने ये वाले पॉइंट बनाए हैं, ये हैं आपके मोलेकुलर ऑर्बिटल। क्या है ये, मोलेकुलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, फिर पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो साई भी पढ़ते हैं बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, तो यहाँ तक ले स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ाते हैं आगे। देखो फिर पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग 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 मोलेकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में बोलते हैं इसको VMO, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। क्या ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, तो मैं लिख दूंगा जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की ऊर्जा, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, कम होती है, उनके बीच आकर्षण होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, ध्यान देना, क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। इसे शो करता हूं मैं साई बी से, साई बी से दर्शाते हैं, साई बी से दर्शाते हैं। तो साई बी आर इक्वल टू साई ए माइनस के साई बी, ठीक है। इस लाइन पर थोड़ा फोकस करना, इसके बाद में कौन सा आता है, इसके बाद में आता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, ठीक अपोजिट इसका। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेकंड नंबर में कि एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, तो ये बनेगा ए बी एम ओ,
ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में आगे यही चीज दर्शाऊंगा, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ठीक इसका अपोजिट होगा, जिन मोलेकुलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, अधिक होती है, उनके बीच रिपल्शन होता है, उनके बीच रिपल्शन होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिन्हें एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहते हैं। और खास बात तो यह है कि शो करता हूं मैं इसे, इसे साई बी से, साई ए से दर्शाते हैं, साई ए से दर्शाते हैं। तो साई ए जो होता है आपका, साई ए बराबर होता है साई कैपिटल ए माइनस के साई कैपिटल बी। ठीक है, ध्यान देना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी के वेव फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आ गई। अब इसमें मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि जो इनकी ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, इनकी ऊर्जा कैसी होती है, इनकी ऊर्जा अधिक होती है और इनकी ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है, इनकी ऊर्जा कम होती है। एक लाइन ये भी लिख देता हूँ मैं इसमें, इनकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या पढ़ते हैं इसके बाद, बॉन्ड ऑर्डर, क्या नाम है इसका, बॉन्ड ऑर्डर। देखो फिर क्या होता है ये बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर, क्या है ये बॉन्ड ऑर्डर, देखो जरा ध्यान से फिर, तो क्या होता है रियलिटी में ये बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है, यह है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, यह है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को आप क्या बोलते हो, बॉन्ड ऑर्डर कहते हो। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो फॉर्मूले में इसको, अगर मैं फॉर्मूला बनाऊँ बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला आपका बनता है वो बनता है एन बी माइनस के एन ए अपॉन टू, क्या बनता है, एन बी माइनस के एन ए अपॉन टू। तो यहाँ देखो, जहाँ जहाँ जो एन बी है वो है नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और जो एन ए है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, और जो एन ए है वह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। अब आगे देखो ध्यान से, अब परिभाषा क्या है, देखो यह है बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यह है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों में अंतर है, उसको हमने दो से डिवाइड कर दिया, यानी कि बी एम ओ तथा ए बी एम ओ, ए बी एम ओ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधे को, संख्या के आधे को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के आधे को, के अंतर के आधे को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर आपको यह बताता है कि मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, वो बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, और बस यही थी थ्योरी, मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसके जो एग्जांपल हैं वो करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।